मोदी को नहीं नीतीश कुमार की कोई टेंशन, छोड़ देंगे साथ फिर भी मोदी रहेंगे प्रधानमंत्री। नीतीश के जाने से सरकार को नहीं होगा कोई नुकसान। अब की बार 400 पार का नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत भले ही ना दिला पाए हो, लेकिन एनडीए को जरूर बहुमत के जादुई आंकड़े से पार पहुंचा दिया है। यानी सरकार तो मोदी की ही आएगी, बस फर्क इतना ही होगा कि इस बार मोदी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता नहीं संभालेंगे। उन्हें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का साथ लेना ही होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोनों ही नेता कभी मोदी के खिलाफ विपक्ष जुटाव अभियान चला चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर नायडू या नीतीश साथ छोड़ देंगे तो क्या मोदी सरकार गिर जाएगी? जानिए क्या है पूरा गणित, मोदी कैसे लेंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ। दरअसल बीजेपी को इस बार पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका। पूरी बीजेपी 240 सीटों पर ही सिमट गई। यानी बहुमत के जादुई आंकड़े 272 सीटों में से 32 सीट दूर रह गई बीजेपी से। यही वजह है कि गठबंधन में शामिल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की जरूरत मोदी के लिए बढ़ गई। तो वहीं दूसरी ओर ये कहा जा रहा है कि नीतीश और नायडू का भरोसा नहीं किया जा सकता, दोनों नेता किसी भी वक्त मोदी का साथ छोड़ सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि नायडू या नीतीश के जाने से मोदी सरकार क्या गिर जाएगी? अगर नीतीश ने छोड़ा साथ, लोकसभा चुनाव के नतीजे के मुताबिक बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए के पास फिलहाल 293 सीटें हैं। इनमें से 12 सांसद नीतीश की पार्टी जेडीयू के पास है। ऐसे में जेडीयू मोदी का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन के साथ चली जाती है तो ऐसी हालत में एनडीए के पास 281 सांसद रहेंगे, जो बहुमत से 9 सांसद ज्यादा हैं। यानी नीतीश के साथ छोड़ने के बावजूद मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने रहेंगे। अगर नायडू ने छोड़ा मोदी का साथ, अब बात करें एनडीए के एक और सहयोगी चंद्रबाबू नायडू की, जिनकी तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के साथ 16 सांसद हैं। और अगर नायडू मोदी का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन के साथ चले जाते हैं तो एनडीए के पास 277 सांसद बचेंगे, जो बहुमत से 5 ज्यादा सांसद हैं। यानी चंद्रबाबू नायडू के साथ छोड़ने के बावजूद केंद्र में मोदी की सरकार सत्ता में बनी रहेगी। नीतीश और नायडू दोनों ने छोड़ दिया साथ, तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों नेताओं ने अगर मोदी का साथ छोड़ दिया तो एक साथ 28 सांसद कम हो जाएंगे और एनडीए 265 सीटों पर पहुंच जाएगी, जो बहुमत से 7 सांसद कम है। ऐसी हालत में मोदी सरकार गिर जाएगी। ये सारे समीकरण बता रहे हैं कि नीतीश या नायडू साथ छोड़ते हैं तो एनडीए की सेहत पर कोई खासा असर नहीं पड़ेगा, और अगर दोनों ने साथ छोड़ दिया तब मोदी सरकार को परेशानी हो सकती है। यानी नीतीश नायडू दोनों नेताओं में से किसी एक के साथ मोदी को बनाकर तो रखना होगा, तभी केंद्र में मोदी सरकार चला सकते हैं। 400 पार का नारा देने वाले पीएम मोदी की इस हालत के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चुनावी नतीजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, इस चुनाव के, इस जनादेश के कई पहलू हैं। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है।
राज्यों में जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए वहां पर एनडीए को भव्य विजय मिली है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो या फिर सिक्किम। और इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। मेरे पास डिटेल तो नहीं है, लेकिन शायद उनको जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया होगा। भाजपा उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है और लोकसभा चुनाव में भी उड़ीसा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये पहली बार होगा जब महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी ने केरला में भी सीट जीती है। हमारे केरल के कार्यकर्ताओं ने बहुत बलिदान दिए हैं। कई पीढ़ियों से वो संघर्ष भी करते रहे, जन सामान्य की सेवा भी करते रहे। और पीढ़ियों से, मैं सालों से नहीं कह रहा हूं, पीढ़ियों से जिस क्षण का इंतजार किया वो आज सफलता को चूमने लगी है। तेलंगाना में हमारी संख्या दोगुना हो गई है। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, ऐसे कई राज्यों में हमारी पार्टी ने लगभग क्लीन स्वीप किया है। मैं इन सभी राज्यों और अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के मतदाताओं का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं। मैं इन राज्यों की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र सरकार आपके विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है।